बड़ी खबर का रुख करेंगे। नहीं रद्द होगी नीट की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग रोकने से भी इनकार कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। मामले पर 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। लगातार छात्र मांग कर रहे थे कि एग्जाम फिर से कराया जाए, धांधली का आरोप लग रहा था, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और काउंसलिंग रोकने से भी इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और साथ ही अगली तारीख तय कर दी है सुनवाई के लिए। एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, ये बड़ी खबर। लेकिन मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, ये बड़ी और अहम खबर। नहीं रद्द होगी नीट की परीक्षा, कई जगह पर ग्रेस मार्क को लेकर सवाल उठाए गए, कुछ जगह गलत मार्किंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और इन तमाम सवाल, प्रदर्शन और अपनी मांगों के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। छात्रों के मुद्दों को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया है और साथ ही एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले पर 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, ये बड़ी और अहम खबर। नहीं रद्द होगी नीट की परीक्षा। हमारे साथ सहयोगी सुमित कुमार फोन लाइन पर कनेक्ट है। सुमित, आखिर आज की सुनवाई में क्या हुआ और साथ ही एनटीए से किन पहलुओं को लेकर जवाब तलब किया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में 5 मई को जो नीट की जो प्रवेश परीक्षा हुई है उस पर सवाल उठाया गया था और याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि जिस तरह से परीक्षा आयोजित हुई है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, यहाँ तक कि पेपर लीक हुई है। ऐसे में 5 मई को जो जो परीक्षा आयोजित हुई है उस पर उसके बाद जो काउंसलिंग होनी है उस पर फिलहाल रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि यह परीक्षा के बाद की प्रक्रिया है और फिलहाल जब तक हम एनटीए का पक्ष नहीं सुन लेते हैं तब तक हम इस मामले में किसी भी तरह की जो अंतरिम राहत है वो याचिकाकर्ताओं को नहीं दे सकते हैं। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब नोटिस आने के बाद जुलाई महीने में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन फौरी तौर पर जो है राहत जो है वो तमाम उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एक और याचिका जो है वो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फिजिकल वाले जो बाबा हैं, जो फाउंडर हैं अखल अलख पांडे, उनकी ओर से याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी गठित की जाए क्योंकि जिस तरह से ये परीक्षा आयोजित हुई है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इस पूरे मामले की जो निगरानी है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन बेंच थी उसने फौरी तौर पर राहत देने से इनकार किया है, लेकिन एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब जरूर मांगा है। आयुष, सुमित, जो नई याचिका अलख पांडे की तरफ से है उसमें क्या अलग है इस याचिका के इतर अगर समझा जाए? एक सवाल ये भी, दूसरा ये भी समझाइएगा कि आखिर जो 8 तारीख तक की तारीख तय की गई है, 8 जुलाई तक की, तब तक शायद काउंसलिंग शुरू भी हो जाएगी और काउंसलिंग रोकने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। यानी एक तरफ काउंसलिंग चल रही होगी और दूसरी तरफ फिर मामले पर सुनवाई होगी, क्या ये पूरा प्रोसेस इससे डिस्टर्ब नहीं होगा? हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर आज कहना था कि चूंकि एनटीए इस मामले में पार्टी है, जब तक एनटीए का पक्ष हम नहीं सुनते हैं तब तक हम अंतरिम राहत किसी भी तौर पर नहीं दे सकते हैं। अब एनटीए को इस पूरे मामले में जवाब देना है क्योंकि कई उम्मीदवार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनका कहना है कि ये पेपर लीक हुई है और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब एनटीए का पक्ष आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा क्योंकि समर वेकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाएगा, रेगुलर बेंच बैठने लगेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा आयुष, यह देखना बेहद अहम रहेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से अलख पांडे ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें अलग से एक कमेटी गठन करने की मांग की गई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यहाँ जांच करने की मांग जो है वो याचिका में की गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि नतीजे की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और नीट परीक्षा आयोजित करने की जो प्रक्रिया में सुधार लाने और उससे आयोजित करने की प्रक्रिया को भी मजबूत करने की कवायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से की जानी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका बहुत शुक्रिया। एक और याचिका इसको लेकर दाखिल और जो इस मामले की सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी।